असेंबली में जो कांग्रेस पार्टी केसीआर को चैलेंज करी थी कि केसीआर साहब आप 6 साल से डबल बेडरूम देता हूँ बोल रहे हैं और आप एक भी डबल बेडरूम एक बेनिफिशियरी को भी आप नहीं दिए, तो केसीआर साहब पलट के बोले 1 लाख घर तैयार है और ये चैलेंज हमारे श्रीनिवास यादव मिनिस्टर साहब ले लिए और हमारे सीएलपी लीडर बट्टी विक्रमाका के घर को चले गए और बोले कि अब मैं 1 लाख घर आपको बताता हूँ। कांग्रेस पार्टी बहादुरी से चैलेंज कबूल करी और बट्टी साहब की सदारत में हम निकले। कल जब हम फिरे थे फर्स्ट फेज में 3,500 घर देखे और 5 कॉन्स्टिट्यूएंसी में, कारवान, गोशा महल, हैदराबाद, सनत नगर और कंटोनमेंट, ये 5 जगह के ऊपर इन्होंने 3,500 डबल बेडरूम बताए और ये बात बोले कि आज फर्स्ट फेज खत्म हो गया, कल सेकंड फेज में 96,500 आपको डबल बेडरूम बनाते। और उसी चैलेंज पे आज सुबह में फिर से श्रीनिवास यादव साहब, मेयर साहब, बट्टी साहब के घर को आ गए और वहां से हमार को निकाल के तुक्कुगुड़ा, महेश्वरम कॉन्स्टिट्यूएंसी, रंगारेड्डी, वहां पर लेके जाके 2,500 घर बताए। फिर वहां से निकाले हमार को यहां पर लेके आए नागारम, ये मेडिकल कॉन्स्टिट्यूएंसी है, यहां पर लेके आके 5,000 घर आए। तो कांग्रेस पार्टी पलट के ये बात बोली, आप ये बात बोले थे कि ग्रेटर हैदराबाद में 1 लाख घर हम तैयार कर दिए और महेश्वरम ग्रेटर हैदराबाद में नहीं आता, ये मेडचल ग्रेटर हैदराबाद में नहीं आता। आप हमारे नलगुंडा लिख जाके बताते, करीमनगर को लिख जाके बताते, बोल के नहीं बोले ना, आप हमारे को ये बोले कि 1 लाख घर देते ग्रेटर हैदराबाद में। लास्ट म्यूनसिपल चुनाव में आप हर किसी को घर देते बोल के आप 10 लाख एप्लीकेशन लिए और 10 लाख लोन से आप वोट डलवा लिए और उसके बाद में आप 1 साल के बाद ग्रेटर हैदराबाद के चुनाव के 1 साल के बाद बोले कि 2 लाख चिल्लर हम घर देते और आज से 2 दिन पहले आप बोले कि 1 लाख देते। और आज मैं यहाँ पर हूँ नागारम म्युनिसिपैलिटी मेडचल हलके में, श्रीनिवास यादव साहब, मेयर साहब और एक एक मल्ला रेड्डी मिनिस्टर साहब को जब हम पूछे कि भाई ये ग्रेटर हैदराबाद में नहीं आता तो वो नाराज होके चले गए। तो फिर से मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूं, टीआरएस केसीआर कभी भी ये लोग बात करते, गरीब कमजोर को कुछ नहीं करते, ये नंबरों में जगलरी करते, फिर से एक टाइम धोखा दिए। आज कांग्रेस पार्टी इंतजार कर रही, आज फिरोज खान यहां पे इंतजार कर रहा, क्यों चले गए ये लोग पूरे? क्योंकि हम उनकी चोरी पकड़ ली। फिर से चुनाव आ रहा और ये बात बोल रहे हैं हमारे को पलटा के कि नहीं, ये जितने भी बिल्डिंग हैं हम हैदराबाद वालों को देने वाले हैं। और यहाँ के जब लोकलों से बात करें तो ये बोले कि लास्ट टाइम जब हमारे पास एमएलए चुनाव हुआ तो हमारे को देते बोले, लास्ट टाइम जब हमारे पास यहाँ पे म्यूनिसिपल चुनाव हुआ हमारे को देते बोले, आज ग्रेटर हैदराबाद में चुनाव आ रहा तो बोल रहे हैं कि यहाँ के घर ग्रेटर हैदराबाद वालों को देते बेनिफिशियरी बना के। तो फिर से एक टाइम टीआरएस की हुकूमत का हम पर्दाफाश करें और फिर से एक टाइम आवाम को बोल रहे हैं, ये लोग सिर्फ झूठ बोलते हैं। साहब का ये स्टेटमेंट था कि 24 कॉन्स्टिट्यूएंसियाँ हैं ग्रेटर हैदराबाद में और एक कॉन्स्टिट्यूएंसी को मैं 4,000 घर देता हूँ, तो 4,000 × 24 96,000 और ये डिग्निटी हाउसिंग प्रोग्राम में 9,700 करोड़ रुपये हम सैंक्शन कर दिए बोले केटीआर साहब। और कल जब हम आपको लेके गए थे आप 5 कॉन्स्टिट्यूएंसियाँ, कारवान, गोशा महल, सनत नगर, कंटोनमेंट और हैदराबाद, आप पूरे 5 में बताए 3,500। आपकी स्टेटमेंट के मुताबिक आप हमारे को बताना था 20,000, आप नई बात बता सके, तो हम आपको बता रहे हैं केसीआर, केटीआर और ये पूरी टीम ये झूठ बोलने में एक्सपर्ट है। बात जब करते तो आसमान, जब हकीकत में आते तो जमीन नहीं रहती।
ये टीआरएस पार्टी की हकीकत है। हथेली में जन्नत दिखाना का फन मालूम इन लोगों को, और गरीब कमजोर आवाम को किस तरीके से बेखौफ मारना, ये लोगों को इसमें बेहतरीन हुनर है। बस आवाम से बात, हकीकत क्या है, कौन से भी केसीआर के वादे पूरे हुए क्या, एक भी वादा उन्होंने पूरा नहीं करे। जय हिंद, जय कांग्रेस, जय हिंद, जय कांग्रेस।